माय चैनल ट्यूशन जोन विद अंशिका। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक कमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। वो कमेंट में रोमेश सिंह में लिखते हैं कि आपके वीडियोस में इतने कट्स क्यों होते हैं, आप काफ़ी फ्लो में काफ़ी अच्छा पढ़ाते हो लेकिन कभी कभी वीडियो में बहुत कट आ जाते हैं। तो इसका मैं आपको रोमेश सिंह कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ कि मैं एयरपोर्ट एरिया के पास में रहती हूँ, तो एरोप्लेन जो होते हैं वो बहुत पास से होके गुजरते हैं, लैंड करते हैं ना वो यहीं पे, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो मुझे बार बार वीडियो रोकनी पड़ती है। और आपने जिस वीडियो पे कमेंट किया है वो मैंने वेडनेसडे को डाली थी, और वेडनेसडे को यहाँ पे एरोप्लेन ज़्यादा ही आते हैं, यहाँ पे लैंडिंग वेडनेसडे के दिन ज़्यादा ही होती है। आप जहाँ भी कट देखेंगे उससे पहले आप एक एरोप्लेन की आवाज़ सुनेंगे और एकदम से बीच में कट देख लेंगे, क्योंकि मुझे वो आवाज़ परेशान करती है, तो आप लोगों को भी पढ़ते वक्त परेशान करेगी, इसलिए मैं कट लगा देती हूँ उस वीडियो में। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एच इक्वल टू पी आर टी है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में देखते हैं गिवन क्या है। एंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर ये वाला एंगल, और एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल इक्वल दिए हुए हैं, हमने लिख लिया हमने गिवन में। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑन लाइन एस टी, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, देयर आर टू लीनियर पेयर। बताइए कौन कौन से लीनियर पेयर हैं। ये वाला एक तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम लेते हैं, फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे हम लेते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन में कौन सा, इस तरफ वाला राइट साइड वाला ले रहे हैं हम, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 होगा। रीजन हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब हम जो हमें दिया हुआ है वैल्यू, पी आर क्यू की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये इक्वल है, वैल्यू तो नहीं दी हुई है लेकिन इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एंगल पी आर क्यू को तो यहीं रहने देंगे और पी आर टी को 180 के साइड में रख देंगे, किसमें, माइनस में रखेंगे हम पी आर टी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1। सेकेंड इसका हमारा लीनियर पेयर कौन सा है हमारा, देखिए पी एस, पी क्यू एस और पी क्यू आर, तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर ये वाला प्लस पी क्यू एस, पी क्यू एस इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर, हमेशा रीजन लिखिए ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, पी क्यू आर हमें दे रखा है, तो हम एंगल पी क्यू आर को तो वहीं रखेंगे और 180 की साइड में किसे भेजेंगे, पी क्यू एस एंगल को। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 2। अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों इक्वल रखेंगे हम, 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी। ये देखिए, एक ये इक्वेशन हमारी और एक ये इक्वेशन, तो हमने 180 वाले को और माइनस पी आर टी को इधर लिखा, और इक्वल में हमने इस इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से लिया, 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, दोनों इक्वल रख लिए। अब आप देखेंगे माइनस का पी आर टी, ये एंगल तो यहीं रखेंगे, और 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, ये वाला 180 माइनस में चला जाएगा इस तरफ ट्रांसफ़र करने पे, तो प्लस का 180 और माइनस का 180 कट हो गया। क्या बचा हमारे पास, माइनस का पी आर टी इक्वल टू माइनस का एंगल पी क्यू एस, माइनस और माइनस कट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, पी आर टी इक्वल टू पी क्यू एस। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें यही प्रूव करना था, पी क्यू एस वाला एंगल ये रहा पी क्यू एस और इक्वल टू पी आर टी। अब आप बोलेंगे कि ये पी क्यू एस तो इधर है और पी आर टी ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम ये लिखते हैं कि 5 × 2 = 10 होता है, तो 2 × 5 लिखने पे भी तो 10 ही आता है, तो क्वेश्चन में ये एंगल्स जो आपके इधर उधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एग्जाम में, एग्ज़ाम को आप अच्छे से देने के लिए
रीज़न ज़रूर लिखिए लीनियर पेयर्स के, ठीक है। थैंक यू।